अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, भेजा पकौड़ा। ये देखिए, हमने इसको सबसे पहले बॉईल किया था, लहसुन अदरक में डाला हाफ टी स्पून और सॉल्ट हाफ टी स्पून डाल के इसको बॉईल किया है और फिर कट करके इसको रख लिया है। सबसे पहले हम इस कप से, थोड़ा सा कम है ये, एक कप बेसन ले लेंगे। कॉर्नफ्लोर है ये, या फिर अरारोट पाउडर ले लीजिए, 2 टीस्पून इसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको डालेंगे। वन टी स्पून सॉल्ट है इसको डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, ये हमारा घर का पिसा हुआ खुशबू का मसाला है। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है ये। और ये सोया मेथी है, सुखा के हमने रखी है, हाफ टी स्पून इसको भी डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। हाफ टी स्पून ये भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर है इसको भी डाल देंगे। और ये कुटा हुआ भुना हुआ धनिया पाउडर है इसको भी डाल देंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला है ये हाफ टी स्पून इसको भी डाल देंगे। और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इधर हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है, ये गरम हो गया है। और अब हम पकौड़ों को एक एक करके इसमें डाल देंगे। इसी तरह से सारे पकौड़े हम डाल लेंगे। अब ये देखिए, सभी पकौड़ों को हमने डाल दिया है, एक तरफ से सिक जाएंगे, बस फिर हम
इसको रखते जाएंगे। आप लोग रमज़ान में इफ्तार के टाइम बनाइए, बहुत ही लजीज, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं ये। अच्छे से गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। और ये हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं, इनको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे डिलीशियस से प्लेन पकौड़ा रेडी है। इसके साथ में हमने ग्रीन एंड रेड चटनियाँ रखी हैं, ये देखिए। ये हमारे पकौड़े रेडी हैं, आप लोग भी बनाइए और रमज़ान में सबको खिलाइए, इफ्तार कराइए। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।